तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो मेरे हाथ में है ये है P10 LED डिस्प्ले, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कलर P10 LED साइन बोर्ड या डिस्प्ले, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पीछे का सर्किट कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर इस सर्किट में क्या क्या चीजें लगी हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये चीज, इसको बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है। इससे जो है प्रोग्राम एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले में शो होता है, किसके थ्रू, देखिए आप इसके थ्रू, यही है वो कनेक्टर, ठीक है। इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं और जिससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो पहली फर्स्ट डिस्प्ले से सेकंड में आता है, सेकंड से थर्ड में आता है, थर्ड से फोर्थ, और इस तरह से हम टोटल 10 डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। मतलब आप इस कार्ड की मदद से 1x10 फिट का LED साइन बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पिन, यहाँ पर जो है हम सप्लाई देते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है VCC और ग्राउंड, मतलब कि जहां पर हमको पॉजिटिव और जहां पर नेगेटिव हमको सप्लाई देना है, कितनी 5 वोल्ट और 5 एम्पियर की, ठीक है, या फिर आप 5 वोल्ट 3 एम्पियर की भी दे सकते हैं, ठीक है। और सप्लाई देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है SMPS का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप SMPS का यूज करके जो है इसमें सप्लाई दी जाती है, ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर या 5 वोल्ट 10 एम्पियर का भी आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अभी फिलहाल में खराब है, तो इसके बदले जो है मैं चार्जर का यूज करूंगा, आप चार्जर से भी इसको सप्लाई दे सकते हैं, जिसमें कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर का भी आप दे सकते हैं सप्लाई, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, इसी तरह से ये ब्लू वाली डिस्प्ले भी है, ठीक है। आप देखिए इसमें एक चीज और है, आप जो देख रहे हैं, देखिए ये जो मार्क देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक इस साइड है, ठीक है, दाई साइड, ठीक है, राइट साइड है। तो इसका मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए आप इसको, ये एक कंट्रोलर है, ठीक है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा आगे। तो जब आप इसको कनेक्ट करते हैं और वहां से सप्लाई जो है इसमें आती है, ठीक है, इधर से जो है इधर आगे की ओर जाती है, ठीक है। फिर यहां पर आप इस तरह का कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है, और इस कनेक्टर को जो है आप इधर, ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें लगाते हैं, यहां से इधर, और जो सप्लाई इधर जाती है, मतलब इस तरह से आपको रनिंग होते हुए आपका प्रोग्राम जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है पहली फर्स्ट जो डिस्प्ले है रेड वाली, ये इसमें, ठीक है, इसमें मैं आपको पहले एक प्रोग्राम अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्रोग्राम को कैसे अपलोड करना है उसके लिए हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो मैं जो है इसमें जो है इस कंट्रोलर की मदद से प्रोग्राम अपलोड करूंगा, और प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर लैपटॉप का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए आप लैपटॉप में किस तरह से प्रोग्राम को जो है हमें अपलोड करना है, देखिए ये रहा हमारा लैपटॉप, एक सेकंड दोस्तों चालू कर लेते हैं पहले से, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहां पर हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है, और यहां पर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है HD 2018, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको शो भी हो रहा है, ठीक है। दोस्तों अभी आपको मैं जो है डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिएगा तब तक के लिए। अभी देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की विंडो ओपन हुई है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए P10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो P10 लिखा हुआ है इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं, जी देखिए आप, हेलो, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके ही बता देता हूँ, जी देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यूसली मूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये देखिए ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी स्पीड हम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, हम यहाँ पर लगाएंगे पेन ड्राइव,
ठीक है, पेन ड्राइव लगाएंगे और पेन ड्राइव, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है यहाँ पर देखिए आप, ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है पेन ड्राइव लगाई, उसके बाद यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को हम इस पेन ड्राइव में ले लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पेन ड्राइव में हमारा प्रोग्राम आ गया है, अब इस पेन ड्राइव को निकाल लेंगे यहाँ से और इसको अभी साइड में करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम दोबारा से सेटअप तैयार करते हैं, ठीक है, और वापस लाते हैं। देखिए आप कैसे आपको करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए आप, ये रेड डिस्प्ले है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, जहाँ पर इस साइड आपको जो मार्क दिखा रहा है, मतलब जहाँ पर आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। अब जहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले इस कंट्रोलर पर दीजिए, देखिए ये कंट्रोलर कहलाता है, इसको बोलते हैं HDU6S का नाम है, देखिए जहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक दोस्तों। लेकिन ये चाइना का है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका सॉफ्टवेयर भी चाइना का है और ये डिस्प्ले भी जो है चाइना में ही बनती है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आप कनेक्शन कैसे करना है, देखिए अब आपको लेना है ये, इस कनेक्टर को लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए लास्ट में, देखिए यहाँ पर चाइना भी लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर देखिए पिंक कलर की लाइन जा रही है, ठीक है, और इसको आप जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसको जो है आप इस कनेक्टर को जहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, देखिए ठीक है कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पर आपको सप्लाई कनेक्ट करना है, ठीक है, सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार है, बस यहाँ पर हमको सप्लाई देनी है, ठीक है। यहाँ पर हमको देना है 5 वोल्ट 5 एम्पीयर तक की हमको यहाँ पर सप्लाई देना है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं इस चार्जर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने चार्जर लिया हुआ है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं इस कंट्रोलर में, ठीक है। तो दोस्तों आप जहाँ पर देख सकते हैं इस कंट्रोलर में जहाँ पर लिखा गया है 5 वोल्ट और इधर है नेगेटिव देना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का ये चार्जर लेकर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने चार्जर के आखिरी में यहाँ पर कुछ इस तरह के कनेक्शन कर दिए हैं और इसको जो है हम इस कंट्रोलर में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो दोस्तों हम कर देते हैं, देखिए दोस्तों ये देखिए ये चालू हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, और इसको हम पलटाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ओके सॉरी दोस्तों, एक चीज और हमने नहीं करी है यहाँ पर, ये देखिए हमको यहाँ पर भी सप्लाई देनी है, ठीक है, इसलिए दोस्तों देखिए बहुत धीरे चल रहा है, यहाँ पर हमको लाइट दिखाई नहीं दे रहा, हमने एक चीज छोड़ दी थी जहां पर भी हमको कनेक्शन देना है, ठीक है, तो अभी हम कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमने यहां पर कनेक्शन दिया नहीं था इसलिए वो जो है बहुत ही स्लो चल रहा था, देखिए आप, या फिर किसी बता देता हूं, जी देखिए इसमें P10 दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, लेकिन ये बहुत ही स्लो उसमें चल रहा है, बहुत ही धीमा ब्राइटनेस है, तो इसके लिए हम यहां पर सप्लाई देंगे, ठीक है, हम यहां पर सप्लाई देना भूल गए थे, ठीक है, VCC उसके बाजू में हम इस ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस ग्राउंड को कनेक्ट करने के बाद और बाकी का जो दो टर्मिनल है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये देखिए आप देखते हैं पीछे की ओर जो है हमारा
एक सेकंड, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए हो गया कनेक्ट। अब देखिए इसका ब्राइटनेस जो है बढ़ गया है जी, देखिए ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये ब्राइटनेस तो बढ़ गया, इसके ऊपर P10 लिखा है, लेकिन हमने जो है लैपटॉप पे हमारे हमने क्या हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स को जो है रनिंग करवाई थी, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है यहाँ पर हमारा कंट्रोलर और हमारी पेन ड्राइव कहाँ है, हमने पेन ड्राइव ये रही पेन ड्राइव, हमने इसमें प्रोग्राम को अपलोड कर दिया था, ठीक है, इसमें हेल्पफुल टेक्निकल टिप जो है वो रनिंग करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। आप क्या करना है, देखिए इस कंट्रोलर में इस पेन ड्राइव को कुछ इस तरह से लगाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्राम देखिए यहाँ पर अपलोड हो गया है USB, ओके। अब यहाँ पर हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स निकलते हुए हमको दिखाई देगा जी, देखिए जे वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स, ठीक है, देखिए आप कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका फ्लैश लाइट ऑफ कर देता हूँ इस मोबाइल का, और फिर देखिए आप, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है रनिंग करते हुए हमारा चैनल, मेरे चैनल का नाम है हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम और समय की कमी की वजह से सिर्फ मैंने आपको जो है आज की वीडियो में सिर्फ एक ही डिस्प्ले का कनेक्शन करके बताया है, लेकिन दोस्तों मेरी जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको एक और डिस्प्ले उसमें ही कनेक्ट करूंगा, मतलब कि आज मैंने जो है 1 फिट वाली डिस्प्ले का कनेक्शन करके बताया है, इसके बाद मैं आपको 2 फिट 3 फिट 4 फिट इस तरह से 10 फिट तक कैसे कनेक्शन किए जाते हैं वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा कि हम जो है प्रोग्राम को कैसे अपलोड करें, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने लैपटॉप से क्या किया है, किस तरह से प्रोग्राम अपलोड किया है, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया है, लेकिन दोस्तों इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आज यदि मैं आज बता देता तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।